वालेकुम। हेलो, हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं मेजर इमरान बात कर रहा हूँ, पाक फौज आर्मी से बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी से। जी, जी मेरे भाई, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? करम परवरदिगार का। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कर्म ही होना चाहिए, अल्लाह ताला का कर्म होना चाहिए आपके। बिल्कुल देखिए मेरे भाई, आपसे कुछ मालूमात फराहम करनी है बायोमेट्रिक में और जो मर्दों में शुमारी है ये इसके बारे में। अच्छा हेलो जी, जी बोले। अच्छा मेरे भाई, आपकी आवाज़ रिकॉर्डिंग लाइन पे चल रही है, आप एक साइड पे हो जाइए। जी, बताएं, आवाज आ रही है आपकी? आवाज़ मेरे भाई आ रही है, शोर से थोड़ा सा एक साइड पे होंगे तो फिर होगी ना, क्योंकि आपकी आपकी कॉल रिकॉर्डिंग पे चल रही है। अच्छा, जी जी बताइए। मेरे भाई, आप ये जो नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने इस नंबर को बायोमेट्रिक करवाया है ना? जी, करवाया हुआ। जी ठीक है। तो जब हमारे आर्मी के नौजवान आपके घर पे मर्दमशुमारी के लिए आए थे, तो आपने अपनी मर्दमशुमारी खुद करवाई थी या आपके घर वालों ने करवाई थी? मैंने करवाई थी। जी, तो जो आपने मर्दमशुमारी वालों को नंबर दिया था वो आपने यही नंबर दिया था? जी, यही नंबर दिया था। जी बिल्कुल बराबर है मेरे भाई। अभी आप मुझे ये बताएं, ये जो नंबर है आप ही के नाम पे है ना? जी भाई, सर मेरे ही नाम पे, कितनी बार पूछेंगे ये? मेरे भाई, ये मालूमात आपसे लेना पड़ेगी ना, इसीलिए आपसे बार बार पूछा जा रहा है। जी, आप तो मेरे भाई, आप जॉब क्या करते हैं? मेरा मार्केटिंग का बिजनेस है अपना। ओके मेरे भाई, अपना नाम बता दीजिए। यार आपके पास मेरी डिटेल है तो आपके पास मेरा नाम नहीं है? मेरे भाई, ये पाक आर्मी की तरफ से आपका ये नंबर जो है ना रेड जोन में जा चुका है, इसलिए मेरे भाई आपको पाक आर्मी से ये कॉल आ रही है। सर, ठीक अगर पाक है, आर्मी वैसे के पास मेरा नंबर रेड जोन में जा चुका है तो पाक आर्मी के पास मेरी डिटेल भी आ रही होगी कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। बिल्कुल सब डिटेल मौजूद है, अब सिर्फ तो फिर आपसे आप मुझसे पूछना पूछ चाहिए। क्यों रहे हैं जब आपके पास डिटेल मौजूद है? मेरे भाई, आपसे पूछना पड़ेगा ना, आपको ये बताना पड़ेगा। अच्छा, आप कौन सा बात जी, करें, तारुफ कराइएगा अपना। जी मेजर इमरान बात कर रहा हूँ मेजर सर। इमरान, यूनिट कौन सी आपकी? जी सर, यूनिट कौन सी आपकी? 111 सर। 111। पाक नंबर बताइएगा अपना। जी, पाक नंबर बताइएगा अपना, आपको डिटेल मैं अपनी किस लिए दूँ? तो मैं फिर आपको अपनी डिटेल किस लिए दूँ? आप मेरे भाई, हम आर्मी से बात कर रहे हैं, आप हाँ, सिविलियन वही मैं हैं, कह रहा हूँ, आर्मी तो से बात आप करें तो आर्मी, आपकी सैलरी मेरे टैक्स के पैसों से जाती है, आप मेरे मुहाफिज हैं, मैं आपसे पूछ सकता हूँ। मेरे भाई, हम आपके मुहाफ़िज़ हैं, इसीलिए आपको कॉल कर रहे हैं। हाँ, आप वैसे अपना हमें पाक कोई नंबर बता इसमें दें, मैं कोई, कंफर्म करूँ आप मेजर हैं भी या नहीं। तो आप कंफर्म कर लीजिए ना, कैसे कंफर्म करूँगा, कर आप मुझे लीजिए। पाक मैंने नंबर आपको, बताएं ना, आप मुझे अपना पाक नंबर बताएं। मैंने अपना नाम आपको बता दिया है ना? नाम से नहीं ना, आप मुझे पाक नंबर बताएं ना, आप मेजर हैं ना, आप मुझे पाक नंबर जी, बताएं अपना। तो मैंने आपको अपना नाम बता दिया, आप कंफर्म कर लीजिए। नहीं, आप अपना पाक नंबर बताएं, मैं आप कंफर्म करके बताता हूँ ना, आप मुझे अपना मैंने पाक नंबर अपना बताएं। यूनिट भी, मैंने अपना यूनिट भी आपको बता दिया है, मैंने अपना नाम भी आपको बता दिया है, आप कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, हाँ, अभी आप मुझे अपनी मालूमात देना चाहेंगे या नहीं? भाई आप मुझसे मालूमात पहले तो ना, किस मकसद के लिए लें? पहली तो ये बात कि आपका नंबर सरकारी नहीं है, प्राइवेट नंबर से बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर कोई यानी सरकारी काम होता तो मुझे सरकारी नंबर से कॉल आती। सरकारी नंबर पे क्या लिखा होता है कि ये सरकारी नंबर है? बिल्कुल लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन उनका नंबर सरकारी होता है क्योंकि मुझे पता है कि सरकारी कौन सा नंबर है और कौन सा प्राइवेट है। ओके ओके ठीक ओके है, ओके। और ये ऑफिशियल ऑफिशियल कॉल अगर होती तो ये रात को 7:30 बजे नहीं आती। हाँ, किस टाइम पे आती? ठीक है, चलें आपके इस नंबर की इन्वेस्टिगेशन करवाता हूँ, क्योंकि मेजर बन के फ़ोन कर रहे हैं, देखते हैं मेजर हैं या नहीं है, फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन हाँ मैं ठीक करवाता हूँ, आप मेरी क्या करवाएंगे। ठीक 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 है सर, है ठीक जनाब, है, ठीक ओके है ओके जी, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आपको इंतहाई ज़रूरी इत्तला देने के लिए ये मैसेज रिकॉर्ड किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लोगों को फ़ोन करके ये जाली लोग अपने आप का तारुफ करवाते हैं कि हम पाकिस्तान आर्मी से हैं, और मर्दमशुमारी में आपने जो डाटा लिखवाया था उसको हम कंफर्म करने के लिए फ़ोन कर रहे हैं। इस तरह की बात करके वो आपसे आपकी सारी इंफॉर्मेशन लेंगे, और वो आपसे घर वालों का पूछेंगे, कारोबार का पूछेंगे, कहाँ जाते हैं, कितने बजे जाते हैं, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे वो आपसे। और ये भी कहेंगे जी आपका डाटा इनकम्प्लीट है, अपने आप को मेजर, कैप्टन, कर्नल शो करते हैं वो। बराए मेहरबानी आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस मैसेज को तमाम अपने मोबाइल के जो जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन तक ये पहुँचाएँ कि उनको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन मत दें। अगर आपने उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी तो वो आपका पूरा हिसाब लगाकर
बाकायदा पूरी तैयारी के साथ वो डकैती के लिए, आपको लूटने के लिए बहुत जल्द आपके घरों में आ जाएंगे। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस मैसेज को तमाम लोगों तक अपने पहुंचा दें ताकि इस शर से महफूज रह सकें। मेरी फैमिली में 2 से 3 मरतबा हवातीन को ये कॉल्स आ चुकी हैं। बराए मेहरबानी अपनी हवातीन को, अपने घर के मर्दों को, सबको इसके मुतल्लिक आगाह करें और मुहतात रहने की गुजारिश करें उनसे। आपकी दुआओं का तलबगार मिर्ज़ा शाबान ज़फ़र। अस्सलामुअलैकुम।